प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज रेवाड़ी अनाज मंडी का निरीक्षण कर खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को फसल की बिक्री के समय किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मंडी में फसल खरीद का कार्य अच्छे ढंग से चल रहा है और किसान पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि ना तो MSP खत्म होगी और ना ही मंडी व्यवस्था बंद होगी। उसका समाधान निकालेंगे। अच्छी परचेज चल रही है, पहले से ज़्यादा संतुष्ट हैं हमारे आढ़ती भाई भी, और किसान को पेमेंट जल्दी देंगे, काम जल्दी कराएंगे, धीरे धीरे करके व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। और कुछ जो कांग्रेस पार्टी के नेता या किसान नेता जो दुष्प्रचार करते थे कि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, MSP ख़त्म हो जाएगी, किसान की धरती चली जाएगी, आप धरातल में देखिए, पहले से अच्छी मंडियां चल रही हैं, पहले से अच्छे भाव चल रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि इस बार सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भाव पर बिक रही है, ये बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हितैषी फैसले करने में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि किसान राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ उठाएं। सरसों का भाव मेरा इलाका है दक्षिण हरियाणा का, सरसों पैदा ज़्यादा करता है। 450 रुपये का MSP था, आज 550 से जहाँ तो बता रहे 500 रुपये बिक रही है। बहुत खुशी होती है किसान को ये भाव मिले, और हमारा लक्ष्य जो है यही है कि किसी भी जिन्स का MSP से नीचे भाव ना आए। हरियाणा सरकार देश में सबसे ज़्यादा फसलें खरीदती है, बाजरा हमने खरीदा, सूर्यमुखी हमने खरीदी, मूंगफली हमने खरीदी, गेहूं और धान तो खरीदते ही करते हैं, 10 फसलें हम खरीदते हैं, पेमेंट सीधी किसान को खाते में देते हैं। और किसान हितैषी फैसले करने में, चाहे दक्षिण हरियाणा में पानी देने का हो, फुहारा सिंचाई के लिए 85% सब्सिडी देने का हो, सीधी पेमेंट